चलिए भाई, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास? जी उमर, बताइए बेटा। इसको आपने प्रोटीन्स का चार्ट वगैरह बनवाया था ना, और उससे फिर आपने एक्सप्लेन करा था पूरा प्रोटीन का किस चीज का चार्ट उसके फंक्शंस का। तो था? और उसको फिर आपने एक्सप्लेन किया था। इससे पहले जो है वो हमने इसकी फोर्थ टाइप पढ़ी थी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये बताओ कि अगर सारे सब यूनिट सिमिलर होंगे तो फिर कौन सा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा? ये समझ नहीं आया दोबारा। चलिए उमेर से पूछते हैं। उमेर, आप हैंड रेस कीजिए। चलिए जी उमेर, अनम्यूट कीजिए और बताइए। होमोजीनियस मिस होमोजीनियस होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा अगर सारे सब यूनिट सिमिलर होंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो हेटरोजीनियस। फिर हीट्रोजीनियस बनेगा। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब कल की क्लास में तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन कर लिए। बेसिकली कहने की बात ये है कि हमने जो है वो प्रोटीन को वाइंड अप कर लिया था कल की क्लास में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड बायो मॉलिक्यूल की तरफ, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रेजेंटेशंस आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त ये रही, नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहले जरा नाम को समझ लेते हैं। जब प्रोटीन पढ़ा था तब भी पहली बात नाम के बारे में की थी कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटियोस, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक, इसलिए हमने प्रोटीन को ये नाम दिया है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बो का वर्ड निकला है कार्बन से, हाइड्रेट, हाइड्रो, हाइड्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि कार्बन और वाटर। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि कार्बन और वाटर का क्या मतलब हो, तो अभी आगे समझ में आ जाएगी। कार्बन तो इसलिए है बेटा क्योंकि आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बातें बनेंगे कार्बन से, तो इस वजह से कार्बो का वर्ड तो समझ में आ जाता है। लेकिन वाटर को यहाँ पर डालने की क्या जरूरत थी? वाटर तो अलग है ना, ये तो हम ड्राई वेट ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं। अब वाटर को तो हमने शुरू में ही अलग कर दिया था, तो व्हाई वाटर, यहाँ वाटर का नाम क्यों लिया है? तो अभी इसका भी समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट जब आप आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा कुछ नहीं है। प्रोटीन के अंदर आप नाइट्रोजन भी लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आगे लिखा है दे आर रेफर्ड टू एज हाइड्रेटेड कार्बन्स। इनको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज रीजन है। ठीक है, क्या है ये जो पॉइंट है? ये आपके पास रीजन है। इस रीजन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, या जो मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया है हाइड्रेटेड कार्बन, ये क्यों कहते हैं? ठीक है, तो रीजन क्या है? बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की रेशियो हो गई 2 और ऑक्सीजन की रेशियो हो गई 1, तो रेशो बन जाता है वाटर के लिए कि 2:1 की रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, यही सेम रेशो होती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से इसके साथ पानी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके अंदर पानी मौजूद है या पानी जो है वो घुल गया इसके अंदर, या ये पानी के अंदर घुल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो बार बार हाइड्रेटेड या कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड आ रहा है ये इस रीजन की वजह से है, ये इस रीजन की वजह से है क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है 2:1। यही सिमिलर रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जल्दी से जरा याद करो किसी कार्बोहाइड्रेट का नाम।
एक नाम सबके दिमाग में आएगा, ग्लूकोज, ठीक है। फॉर्मूला भी सबको याद होगा, C6H12O6, याद है। अब देखो H कितना है 12, O कितना है 6, 6 1 6, 6 2 12, रेशो कितनी बनी, 2:1 बन गई, ठीक है। ये मैंने एक लाइव एग्जांपल बता दी तुम लोगों को, ये देखो सी सिक्स है, एच होता है 12, होता है 6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। चाहिए 6 को 6 1 6, 6 2 12, तो एच और ओ की रेशियो कितनी हो गई, समझ में आया। तो ये रीजन है बेटा जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रेट का वर्ड आ रहा है, या इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। Is that clear? आगे चलते हैं। They are also called CHOs. इनको ना CHOs कहते हैं। मतलब हम जो है वो अब जाहिर सी बात है पढ़ चुके हैं और बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स भी कर चुके हैं, तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट की बात करनी होती है तो हम जरा एडवांस बात करते हैं, मतलब निक नेम से बुलाते हैं ना आजकल को, तो इसका निक नेम जो है वो CHO है, ठीक है। कहीं भी आप लिख सकते हैं इसको, आपको इंटरनेट पर भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहां अगर CHO लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। CHO एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। दे आर फाउंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये स्ट्रक्चर में भी रोल प्ले करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी है, एज वेल एज स्टोरेज सब्सटेंसेस, और ये आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए स्टोर भी किए जाते हैं। प्रोटीन में क्या पढ़ा था, ओनली बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा था, वहां पर तो हमने स्टोरेज की बात ही नहीं की, वहां हमने एनर्जी की बात नहीं की, क्योंकि वहां पर प्रोटीन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था। प्रोटीन का सबसे मेजर फंक्शन है बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि वो स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या लिखा है, दे आर 1% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल। अगर आप सेल का ड्राई वेट ले लें तो उस ड्राई वेट का 1% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। अगर आप सेल का ड्राई वेट ले लें तो उस ड्राई वेट का 1% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड्स। कॉमनली कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर्स कहा जाता है, और शुगर्स के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सैकराइड्स, ठीक है। तो आप इनको शुगर्स भी कह सकते हैं, आप इनको सैकराइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं उन तमाम का जायका मीठा होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इस वजह से इनको कॉमनली शुगर्स या फिर सैकराइड्स कहा जाता है, ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट पॉलीसेकराइड। सिर्फ पॉलीसेकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो मीठे नहीं होते, बाकी सबके सब मीठे होते हैं, सही है। दोबारा से बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली शुगर और सैकराइड्स कहा जाता है इनके मीठे जायके की वजह से। इनका जायका मीठा होता है सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकराइड्स के अलावा, ठीक है। पॉलीसैकराइड मीठे नहीं होते, वो टेस्टलेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है बाकी जितने कार्बोहाइड्रेट है वो सारे के सारे मीठे होते हैं। अब देखो, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सारे शुगर जो है वो स्वीट हैं एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो अब ये देखो तुम एमसीक्यू में कितना अच्छा आ सकता है, कि आपके सामने लिख दिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्वीट इन टेस्ट एक्सेप्ट, और आपके पास जो है वो ऑप्शन पॉलीसेकेराइड हुआ। तो इस तरह की चीजें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सही है। आगे लिखा है देयर मोनोमर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्योंकि प्रोटीन पढ़ने के बाद बच्चे के दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाता है कि हम जो है वो पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, तो यकीनन हमें मोनोमर पता होना चाहिए, है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास दूसरा बायोमोलिक्यूल है, इसका मोनोमर क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड। क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड। प्रोटीन का मोनोमर क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है वन शुगर, एक शुगर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक अमाइनो एसिड रखूं अपने सामने टेबल पर, तो क्या मैं उसे ये कह सकती हूँ कि वो प्रोटीन है? अगर कह सकती हूँ तो थम्स अप करो, नहीं कह सकती तो कुछ मत करो, बल्कि सवाल पूछ लेते हैं, आंसर दे दो। अगर मैं टेबल पर एक अमाइनो एसिड रख दूँ तो मैं उसको प्रोटीन कह सकती हूँ? यस और नो, आई नीड आंसर्स, बस यस और नो बता दें मुझे, तो फिर मैं जो है क्या कहते हैं आपको आंसर बताऊंगी इसका।
जी उमर बताइए। इसका आंसर नो है, नहीं कह सकते। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जी अरीबा बताइए बेटा। मिस इसका आंसर नो है, नो है। ठीक है, अच्छा तस्बीहा आप बताइए। मिस इसका आंसर नो है, सही है। और अलिशबा जी बताइए बेटा। मिस नो। तो सबका ही आंसर ऑलमोस्ट एक ही है कि नहीं कह सकते, और आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी है कि अमाइनो एसिड मोनोमर है, तो अकेला मोनोमर तो पॉलीमर नहीं कहला सकता ना, उसको हम प्रोटीन नहीं कह सकते। लेकिन बेटा कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है, मोनोसैकेराइड जिसको हम कह रहे हैं, अगर मैं टेबल पर एक मोनोसैकेराइड अपने पास रखूंगी तो मैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहूंगी। इनका मोनोमर अलग से भी एक्सिस्ट करता है और दूसरी चीजों के साथ बाइंड करके भी एक्सिस्ट करता है, जबकि प्रोटीन का मोनोमर सिर्फ और सिर्फ अकेला सिर्फ और सिर्फ बाइंड करके एक्सिस्ट करता है, अकेला वो अमाइनो एसिड कहलाता है, हम उसको प्रोटीन नहीं कह सकते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की ये खसूसियत है, अच्छा आपने ही पढ़ा हुआ है कि मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, पढ़ा हुआ है। 100 होंगे तो तुम उसको प्रोटीन कह सकते हो, उससे पहले तो वो प्रोटीन है ही नहीं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर भी होगी ना अगर, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपने दिमाग में, प्रोटीन एक बिल्कुल अलग चीज है, कार्बोहाइड्रेट एक बिल्कुल अलग चीज। कार्बोहाइड्रेट एक भी होगा, मोनोमर उसका एक भी होगा तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। अच्छा एक मोनोमर होगा तो बॉन्ड तो कोई होगा ही नहीं होगा ना बॉन्ड, ठीक है, एक मोनोमर रखा हुआ होगा तो बॉन्ड तो होगा ही नहीं। अगर मैं मोनोसैकेराइड के बजाय तुमसे बोलूं डाइसैकेराइड तो फिर बॉन्ड होगा, दो मोनोसैकेराइड आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो डाइसैकेराइड बनेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, सही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मोनोसैकेराइड भी यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आपको तैयार रखना है, इसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सही है। अभी आगे जब मैं आपको मोनोसैकेराइड पढ़ाऊंगी ना तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया है कि इनका मोनोमर मोनोसैकेराइड कहलाता है, लेकिन इनका मोनोमर इंडिविजुअली भी एक्सिस्ट करता है, उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे, लेकिन हम प्रोटीन में अमाइनो एसिड को प्रोटीन नहीं कह सकते। अच्छा जी आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज पर। मेरे ख्याल में सबको पता होंगे क्या क्या सोर्सेज होते हैं। शुगर केन इज द प्राइम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बार्ले हो गया, वीट, राइस, होल ग्रेन्स। अच्छा घर में देखा होगा आपने, अम्मा कहती है ये तुम बेकार की चीजें नहीं खाओ, रोटी खाओ, रोटी में जान है, चावल खाओ रोटी खाओ, है ना। हम लोग कभी ऐसे स्पैगेटी और कभी ऐसी चीजें बना के खा रहे होते हैं कि ये हमारा खाना है, तो अम्माओं को बड़ी फिक्र होती है और अम्मा का एक ही जुमला होता है, ताकत जो है वो रोटी में है, और तुम लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें खा रहे हो, उससे कोई पेट थोड़ी बढ़ता है, ये बोलती है अम्माएं। तो वो उसका रीजन यही है बेटा कि हमारे जो खाने की प्राइम दो चीजें हैं, चावल और रोटी, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देते हैं, ठीक है, दे गिव अस ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में घूमता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, व्हेनेवर वी आर स्टार्विंग, व्हेनेवर वी आर टायर्ड, हम फौरन से कुछ खा लेते हैं ताकि हमारी एनर्जी बहाल हो जाए। तो बेसिकली ये एनर्जी गिवर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर योर एनर्जी गिवर्स, ठीक है। अच्छा होल ग्रेन्स जितने भी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पोटैटोज, एवरीथिंग इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट के बाद आगे चलते हैं अब हम टाइप्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा टाइप्स हैं। प्रोटीन में आपने कोई टाइप्स नहीं पढ़ी थी। अच्छा बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, मैं अमाइनो एसिड का तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर उनको जोड़ना भी सीखा था, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम, तो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। भाई ये है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, बनाने बनाने, ठीक है। तो इनकी शक्लें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये आपके लेवल के नहीं है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो इसलिए वो आपके कोर्स में रखा गया है। शुगर्स के जो शेप होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, तो इन शेप्स को बनाना, बॉन्डिंग ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, किसी का भी स्ट्रक्चर आपके कोर्स में नहीं है। स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का था जो आप कर चुके हैं, ठीक है।
तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी तक जो है वो मिस ने हमें स्ट्रक्चर नहीं बनवाया और टाइप्स के ऊपर आ गई है, तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम आपको स्ट्रक्चर इसका नहीं बनवा सकते। चलिए भाई अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स है बेटा। पहली टाइप है मोनोसैकेराइड। बात मेरी समझ में अब आपको आ रही होगी कि एक चीज जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है उसको मैंने टाइप्स में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, और जो मोनोसैकेराइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। सही है, वन शुगर, इनके अंदर एक शुगर मौजूद होगी। ठीक है, क्या 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 कह रहे हैं इनके बारे में, दे आर कॉमनली नोन एज सिंपल शुगर्स, सबसे ज्यादा सिंपल शुगर्स कहलाती हैं। जाहिर सी बात है आपको खुद नजर आ रहा है एक मोनोमर है खाली, तो सिंपल हुई। सिंपल शुगर्स एज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर शुगर्स, हम इनको मजीद छोटी शुगर्स में नहीं तोड़ सकते इसलिए ये सिंपल शुगर्स कहलाते हैं। रीजन व्हाई मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज सिंपल शुगर्स, तो आप क्या आंसर देंगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर शुगर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज सिंपल शुगर्स। ठीक है, सिंपल शुगर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मजीद हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस याद है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर एक ही मोनोमर है भाई, इनको तोड़कर कोई और शुगर थोड़ी बनेगी। सही है, दैट इज द रीजन। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज में बेटा, इसको दिमाग अपना हाजिर रख के इसको याद करना है। मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज याद कर लो, तीन प्रॉपर्टीज। नंबर वन, वाटर सोल्यूबल होंगे। नंबर टू, स्वीट इन टेस्ट होंगे। नंबर थ्री, वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे। चीनी सबके घर में है, ठीक है, किस फॉर्म में होती है, वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सिस्टेंस होती है शुगर्स की। तो तीन प्रॉपर्टीज, तीन निशानियां हैं मोनोसैकेराइड की। नंबर वन, स्वीट इन टेस्ट होगा। नंबर टू, वाइट क्रिस्टलाइन होगा। नंबर थ्री, वाटर सोल्यूबल होगा। थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स, वाटर सोल्यूबल, वाइट क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, याद हो गई। अच्छा, जनरल फॉर्मूला, क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं। जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, इसमें n जो है ना, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आगे एग्जांपल में देखो, एक तुम्हारे पास शुगर है जिसका नाम है ग्लूकोज, क्या लिखा हुआ है, C6H12O6। तो देखो जरा ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो, अगर मैं n की जगह 6 रख दूं, ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ n की जगह 6 रख दूं, तो C हो गया n यानी कि 6, H हो गया 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आंसर आया, 12, और O जो है वो n है यानी कि ये भी 6 हो गई। सही है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। नीचे तीन शुगर के नाम लिखे हुए, पहली है ग्लूकोज, दूसरी है गैलेक्टोज, तीसरी है फ्रक्टोज, लेकिन फॉर्मूले सबके सेम है। फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, गैलेक्टोज भी C6H12O6 है, ग्लूकोज भी C6H12O6 है, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। ये तीनों शुगर्स का सेम फॉर्मूला होता है लेकिन इनके अंदर ना बॉन्डिंग का फर्क होता है। बॉन्डिंग का मतलब किसी का OH ऊपर लगा हुआ होगा, किसी का नीचे लगा हुआ होगा, किसी का इस कोने पर OH लगा हुआ होगा, किसी का उस कोने पर OH लगा हुआ होगा, किसी का ऑक्सीजन ऊपर होगा, किसी का हाइड्रोजन नीचे होगा। टोटल जो है वो C6H12O6 होंगे, यानी कि 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। सही है, तादाद सेम है लेकिन इनकी प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क होगा, तो इस वजह से इन शुगर्स के नाम अलग अलग है लेकिन इनका फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अच्छा नीचे देखो, मैंने थोड़ा सा इनके बारे में लिख भी दिया है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ड्राइड फ्रूट्स, पके हुए फलों में पाया जाता है, स्वीट कॉर्न में होता है, शहद में होता है, इट इज फाउंड इन स्टार्च, स्टार्च में होता है जो प्लांट में होता है। ठीक है, इन शुगर केन इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के साथ मिलकर ये किस में प्रेजेंट होता है, शुगर केन में प्रेजेंट होता है। नीचे लिखा है फ्रक्टोज, इट इज नेचुरल फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज जो है ना, उसका नाम ही फ्रक उसका नाम ही फ्रक जो रखा गया वो इसीलिए रखा गया फ्रक्टोज क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं,
एमसीक्यू में आता है डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर, तो आपको पता होना चाहिए फ्रक्टोज है, ठीक है. इट इज अ नेचुरल फ्रूट शुगर एंड मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज. अच्छा जरा ये देख लो हेक्सो, एक मैथ्स में टर्मिनोलॉजी होती है हेक्सा. हेक्सागन सुना हुआ होगा जिसके छह कोने होते हैं, ठीक है. हेक्सा का मतलब होता है छह, हेक्सोज का मतलब होता है छह कार्बन वाली शुगर, ठीक है. हेक्सोज का मतलब होता है छह कार्बन वाली शुगर. तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर पाई जाती है नेचुरली वो फ्रक्टोज है, क्योंकि फ्रूट्स जितने भी हैं उन सबके अंदर फ्रक्टोज होती है. आखिरी है गैलेक्टोज. गैलेक्टोज एक ऐसी शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है, ठीक है. ये तीन शुगर्स आपके पास इस वक्त लिखी हुई है बेटा, एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, एक गैलेक्टोज है. तीनों आपके पास क्या है, मोनोसैकेराइड है. तीनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. इज दैट क्लियर, समझ आ गया मोनोसैकेराइड. अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोनोसैकेराइड की कुछ टाइप्स. अब अगर जरूरी तो नहीं है ना कि कार्बन जो है वो छह ही होंगे, भाई मोनोसैकेराइड का मतलब है एक शुगर, तो उसमें छह कार्बन वाली शुगर भी हो सकती है, तीन कार्बन वाली भी हो सकती है, चार कार्बन वाली भी हो सकती है. तो मैंने वही चार्ट यहाँ पर बनाया है कि अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो शुगर का नाम क्या हो जाएगा, ट्रायोज. अगर चार कार्बन प्रेजेंट होंगे तो शुगर का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रोज. अगर पांच प्रेजेंट होंगे तो पांच के अंदर जो है वो नाम क्या हो जाएगा, पेंटोज. फिर अगर छह होंगे तो हेक्सोज, अभी पीछे पड़ा. अगर सेवन होंगे तो हेप्टोज नाम हो जाएगा. अगर आठ कार्बन होंगे तो ऑक्टोज नाम हो जाएगा, ठीक है. ये सब की सब मोनोसैकेराइड है, ये सब की सब मोनोसैकेराइड है. आगे मैंने इनका फॉर्मूला भी लिख दिया. देखो ट्रायोज में जब कार्बन नंबर जो है वो तीन होगा तो फॉर्मूले में लगाओ CnH2nO2, तो क्या बनेगा, C3H6O3. टेट्रोज होगा तो C4H8O4. पेंटोज होगा तो C5H10O5. अच्छा इसके आगे मैंने ब्रैकेट में राइबोज भी लिखा है. बेटा इस शुगर को राइबोज कहते हैं. राइबोज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पढ़ा हुआ है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पढ़ी है ना. तो उसमें जो राइबोज इस्तेमाल करते हैं ना हम, वो इस राइबोज के लिए करते हैं, उसमें राइबोज प्रेजेंट होती है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइबोज भी लिख दिया है कि भाई पेंटोज जो है वो राइबोज की फॉर्म में हमारे डीएनए और आरएनए में मौजूद होती है. तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इससे बढ़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइबोज भी मेंशन कर दिया. इसके अलावा हेक्सोज शुगर जो है वो है C6H12O6. अब आपसे मैं बोलूँ जरा मुझे हेक्सोज शुगर की एग्जाम्पल्स बता दें, तो आप बोलेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना. हेक्सोज ही तो है वो, उनका फॉर्मूला यही है ना, C6H12O6. उसके बाद है हेप्टोज. हेप्टोज में क्या होगा, C7H14O7. ऑक्टोज होगा तो C8H16O8. क्लियर हो गया. तो दीज ऑल आर मोनोसैकेराइड्स. ये चार्ट जो सब था आपके सामने है ना, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो वो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की थी ताकि मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को बता सकूँ. बाकी आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है. चार्ट इसका एस सच कुछ आता नहीं है इसमें से, लेकिन हो सकता है कोई एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द शुगर विद फॉर्मूला डैश इज नोन एज, ठीक है. आपको ये C7H14O7 वाला फॉर्मूला लिख कर दे दिया और आपसे बोल दिया शुगर का नाम बता दें, ये शुगर का नाम बता दिया, फॉर्मूला पूछ दिया. तो इस तरह से कुछ इसमें से एमसीक्यू बन जाता है कभी कभी, ठीक है. उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स. पहला क्या था, मोनोसैकेराइड. दूसरा है ओलिगो. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ, ठीक है. अच्छा कुछ और बहुत, ये दो लफ्ज हैं जो हम यूजुअली बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. मेरे पास जो है वो कुछ ट्रॉफीज हैं. कुछ ट्रॉफीज का मतलब होगा कि पांच छह होंगी. मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, तो बहुत सारी का मतलब होगा 10 हैं 15 हैं 20 हैं, ठीक है. ये होती है बहुत. तो बहुत और कुछ का फर्क हमें बहुत अच्छे से पता है. तो यहाँ पर हमने कुछ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब है कि इसके अंदर कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है. क्या लिखा है, ऑन हाइड्रोलिसिस अगर इनकी ब्रेकडाउन की जाएगी, दीज शुगर मॉलिक्यूल्स यील्ड, ये निकालेंगे अपने अंदर से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स.
अगर दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तब भी वो ओलिगोसैकेराइड है, अगर 10 आपस में मिलेंगे तब भी वो ओलिगोसैकेराइड है, सही है। दो मोनोमर से लेकर 10 मोनोमर तक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा, और अगर 10 से ज्यादा मोनोमर आपस में मिलेंगे तो फिर वो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, यानी कि बहुत। मैंने आपको बताया ना कुछ और बहुत, तो यहाँ पर हमने कुछ और बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कुछ की बात करेंगे तो उसमें 10 तक अमाइनो एसिड आ सकते हैं, वो मोनोसैकेराइड आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पॉली की बात करेंगे, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो मैनी में फिर 10 से बहुत ज्यादा है, सही है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस जब इनका ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं 2 से 10 मोनोमर्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स, तो इनको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। मोस्ट कॉमन अमंग देम आर डाइसैकेराइड्स, इनमें सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो डाइसैकेराइड पाए जाते हैं। डाइसैकेराइड कौन से होंगे भाई, नाम ही बता रहा है, जिनके अंदर दो मोनोमर आपस में मिले हुए, ठीक है। When two monosaccharides or monomers join together via process of condensation, अगर condensation के process से दो monosaccharide आपस में join होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे disaccharide, ठीक है। Three monosaccharides और अगर तीन monosaccharides मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, trisaccharide बनाएंगे। अगर तीन monomers या तीन monosaccharides आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास कहलाएंगे ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड की बेटा कोई क्लास नहीं है, ट्राइसैकेराइड जो है ना वो एक ही पाया जाता है दुनिया के अंदर अब तक, जिसका नाम जो है वो दरियाफ्त हुआ है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है डेक्स्ट्रिन, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है डेक्स्ट्रिन, इसको याद कर लें एमसीक्यू के लिए। ट्राइसैकेराइड एक ही है, इसका नाम है डेक्स्ट्रिन। ट्राइसैकेराइड की और कोई टाइप्स नहीं है, और कोई क्लासेस नहीं है, और कोई नहीं है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रिन होता है, ठीक है, और बाकी ऊपर क्या लिखे हुए, डाइसैकेराइड। तो एग्जाम्पल में आपको तीन नाम दिखाए हैं, पहला नाम है सुक्रोज, क्या है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है माल्टोज। ये तीनों क्या है, ये तीनों बेटा डाइसैकेराइड है, ये तीनों क्या है, ये तीनों डाइसैकेराइड है, ठीक है, लिख लो कहीं अपने पास, ये तीनों डाइसैकेराइड है, ठीक है। अगर ग्लूकोज और फ्लक्टोज आपस में प्लस होंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बनेगा सुक्रोज। अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाएंगे, मिलेंगे, तो ये बनेगा लैक्टोज। और अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, माल्टोज। दोबारा से सुन लो, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा सुक्रोज। सुक्रोज वो शुगर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो चीनी आती है दैट इज सुक्रोज, ठीक है। अगला है लैक्टोज, अगर बेटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वो कहलाता है लैक्टोज, और अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माल्टोज। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो मिस बॉन्ड कौन सा होगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता है प्रोटीन्स के दरमियान, वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान। तो बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, फिर तो इसका नाम अपने पास लिख लें, ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक, लिंकेज, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, मोनोमर्स जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, प्रोटीन का बॉन्ड कहलाता था पेप्टाइड लिंकेज, ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको अपने पास कहीं लिख लें, क्योंकि ये मैंने अभी लिखा है तो ये मैं मिटा दूंगी जब मैं स्लाइड को सेव करूंगी, तो ये आपसे कहीं मिस ना हो जाए। प्लीज इसको अपने पास अभी कहीं लिख लें कि द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म। आज की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसके मोनोमर के बारे में पढ़ा, फिर मोनोमर के बारे में हमें ये नई बात पता चली कि इसका जो मोनोमर है वो इसके टाइप भी है, क्योंकि एक मोनोमर रखा होगा तो उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। मोनोसैकेराइड मोनोमर भी है और खुद एक पूरा कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मोनोसैकेराइड पढ़े, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और उसके बाद फिर हमने पढ़े ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो के अंदर डाई भी आ जाते हैं, ओलिगो के अंदर ट्राई भी आ जाते हैं, यानी कि 10 मोनोसैकेराइड तक जितने भी हैं वो सारे के सारे ओलिगो के अंदर आ जाएंगे। ओलिगो में भी सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो डाईसैकेराइड ही है और उन्हीं को पढ़ाया जाता है। डाईसैकेराइड आपने 3 पढ़े, पहला सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा माल्टोज। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आज का टॉपिक था। और जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो लिंकेज होता है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, दैट्स द टॉपिक। अब अगला टॉपिक हमारा है पॉलीसेकेराइड, जो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट थी मेरे पास। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है वो टेस्ट आएगा 3 सितंबर को। अब ठीक है, अब आपका जो टेस्ट होगा वो 3 सितंबर को मेरे पास लिखा हुआ है बायो का। आई एम नॉट कन्फर्म, आप भी देख लीजिएगा, पता चल रहा है मैं गलत बोल रही हूँ। तो 3 सितंबर को या जब भी है, तो उसके लिए जो आपका टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से लेकर प्रोटीन तक, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन तक। ठीक है, इसको अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अचानक से टेस्ट कभी अनाउंस हो जाता है और फिर बच्चे ग्रुप के ऊपर पूछ रहे होते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। इस वजह से आप लोग अपने पास लिख लें कि अब अगला टेस्ट जब भी होगा, जब भी होगा, तो वो किसका होगा? चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से लेकर प्रोटीन वाले टॉपिक तक होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है बेटा कि अब तक जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं, सही है, और मुझे उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो मैं शायद अपने मजे के लिए आप लोगों से थोड़े से मजे ले लूं, और आप लोग अपनी बस तैयारी पूरी रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 के प्रोटीन तक तैयारी रखिएगा अपनी। मैं आपको अनाउंस करूंगी, मेरा इरादा हो रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से आप लोगों के थोड़े से ग्रेडेड असाइनमेंट्स रखूं। असाइनमेंट इस तरह से होगा कि आप लोगों को 4 से 5 सवाल, 2-2 नंबर वाले, बिल्कुल छोटे से फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे थ्रू ईमेल या फिर ग्रुप के ऊपर। उसके बाद आप ये करेंगे कि उसका आंसर देकर या तो हम आपसे ईमेल पर मांग लेंगे कि आप ईमेल पर उसको टाइप करके दे दें, या अगर आपको टाइप करने में मुश्किल है तो आप उन सवालों को अपनी कॉपी में उतारें, सॉल्व करें और उसकी पिक्चर भेजकर मुझे भेज दें। तो मैं फिर आपको रिकॉर्डिंग पे, व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर आपको बाकायदा बता दूंगी कि आपने जो लिखा है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या ऐड हो सकता था, कितने आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के हो सकता है मैं आपसे कुछ टेस्ट लूँ, हो सकता है मैं बहुत शॉर्ट टेस्ट लूँ, सिर्फ 2 सवाल दे दूँ, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को भी टच करें ना, क्योंकि खाली एमसीक्यू से तो बात नहीं बन रही है, मतलब मुझे तो नहीं मजा आ रहा। चैप्टर 1 तो फिर भी बेकार था, लेकिन अब चैप्टर 2 से जो है वो बात खाली एमसीक्यू से पूरी नहीं होगी जब तक मैं आपसे सही तरह से क्वेश्चनिंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने ये बात आपके दिमाग में डाली है ताकि आप अपनी तैयारी थोड़ी सी करके रखें, फिर जब होगा तो मैं पूरी गाइडलाइंस के साथ आपको समझाऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है जी, उमर आप कुछ पूछ रहे हैं? पहले चैप्टर से भी आएगा कुछ एमसीक्यू का टेस्ट?
पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का प्रोटीन वाले पार्ट तक जो अभी मैंने टेस्ट की तैयारी के लिए तुम लोगों को बोला है ना, बस इस पार्ट को जरा मैं फोकस करूंगी। और असाइनमेंट जो मैं दूंगी तो वो तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगी कि आज भाई जो कल असाइनमेंट मैं देने वाली हूँ बेटा वो चैप्टर नंबर 1 के इतने से इतने पार्ट के अंदर होगा, तो आपने उतने पार्ट की तैयारी कर ली एक दिन में और उसका टेस्ट दे दिया, फिर अगले दिन थोड़ा सा और कर लिया, इस तरह से बोल, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर 1 की तो मेरे ख्याल में तैयारी आप लोगों की है, बस मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा पहले से बता दूं कि बिल्कुल अचानक आप लोगों को सरप्राइज ना मिले, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अब आप लोगों के ग्रेडेड असाइनमेंट्स भी स्टार्ट हो, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट की अगली टाइप के साथ। अल्लाह हाफिज।